हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? और यहाँ पे है अंशु का नया फ्रेंड, और इसे मेरे हस्बैंड लेके आए थे आज। और अंशु पढ़ाई कर रहा है, और चलो किचन में चलते हैं। अभी मैं डिनर बनाऊंगी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा व्लॉग है डिनर स्पेशल व्लॉग। तो चलो, यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख दिया था। तो सबसे पहले मैं आटा ही गूंद लेती हूँ, उसके बाद इजी रहता है। और अभी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ नमकीन की सब्ज़ी, और चपाती और राइस। तो यहाँ पर मैं सेव भाजी का मसाला लेके आई हूँ। ये स्पेशल खानदेशी मसाला है, तो इसी को डाल के मैं आज सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने एक बड़ी कटोरी जितना नमकीन लिया है, जो सब्ज़ी वाली नमकीन आती है ना, वही वाली नमकीन ली है मैंने। और ये देखिए, अभी मैंने जस्ट ये मोट बॉइल करके रख दिया था। और ये खिचड़ी पड़ी है, तो दोपहर को अंशु के लिए खिचड़ी बनाई थी मैंने, तो वही है। और इसको मैं ढक देती हूँ, तो अभी तो नहीं खाने वाली है। और तो चलो, दो प्याज ले लूँगी मैं। तो सब्ज़ी के लिए मैंने दो प्याज लिए हैं, और लहसुन ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं लहसुन की पेस्ट डालूँगी। अदरक लहसुन की जो रेडीमेड पेस्ट आती है ना, उसी को मैं डालूँगी सब्ज़ी में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है सब। अब मैं उसके बाद में प्याज को कट कर लूँगी। और मेरी मिक्सी जो है वो ख़राब हो चुकी है, तो आज मैं मिक्सर के बिना ही प्याज और टमाटर की पेस्ट कैसे बनाऊँगी, ये आप देखिए मेरे वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं प्याज को छील लूँगी। और ये जो हमारा कद्दूकस करने वाली घिसनी होती है ना, उसी की सहायता से मैं आज प्याज और टमाटर की पेस्ट बना रही हूँ। और इससे बहुत अच्छी तरीके से फाइनली पेस्ट हो जाती है। और वो जब भी हम मिक्सर में पेस्ट करते हैं, थोड़ा पानी निकल जाता है, तो वैसा भी नहीं निकलता प्याज का, बहुत ही अच्छे से पेस्ट बन जाती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाला ट्रिक। तो चलो, इन प्याज को मैं घिस लेती हूँ। और यहाँ पर प्याज अभी भी महंगे हैं गाइस, और आपके वहाँ पे कैसे हैं तो बताना मुझे। और यहाँ पे ठंडी है ना, और ठंडी इतनी नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ी बहुत है, तो इतना महसूस नहीं होती है। तो आज बहुत कम ठंड थी। तो ये देखिए, मैंने प्याज को अच्छे से पेस्ट कर लिया। अभी इसके बाद में एक टमाटर लिया है मैंने यहाँ पे, और टमाटर को भी इसी तरह से कद्दूकस कर लूँगी मैं। तो ये देखिए, हैं टमाटर तो एकदम से ही इसे बारीक हो जाती है, जैसे हम मिक्सी में बनाते हैं ना, उससे हम उसी तरीके से पेस्ट हो जाती है इसकी। तो मुझे ये वाली ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी। और आपके स्वाद के अकॉर्डिंग टमाटर की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक ही टमाटर लिया है। तो देखिए, मेरे प्याज और टमाटर की प्यूरी रेडी हो चुकी है, और एक प्लेट में उसके बाद साइड में मैं मसाले का घोल बना लूँगी। तो एक चम्मच जितना ये मिक्स सेव भाजी मसाला डाला है। तो मसाले में मैंने लिया है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, और ये अदरक लहसुन की जो पेस्ट में लाई थी, तो उसको मैं डाल दूँगी एक चम्मच। और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालना है।
यहाँ पे मैंने आधा चम्मच नमक डाला है। और उसके बाद पानी डाल के इसका घोल बना लूँगी और इस घोल के अंदर ही मैं एक चम्मच जितना मसाला मिला दूँगी, शेव भाजी मसाला। अभी इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और घोल को हमको ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है और ज़्यादा और उसके बाद में दो चम्मच कढ़ाई के अंदर मैंने तेल डाल दिया है और उसके बाद राई डालूँगी मैं। राई को अच्छे से क्रैक होने देना है, देन उसके बाद जीरा ऐड कर लूँगी मैं। और ये जो बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता और प्याज की तेल, इन सबको अच्छे से भून लेना है ताकि प्याज का जो कच्चापन हो वो दूर हो जाए। और ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमें। उसके बाद मैंने ये मसाले का घोल मिला दिया है और देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही यम्मी है ये मसाला। और उसके बाद मैं टमाटर का पेस्ट मिला दूँगी। इन सबको अच्छे से फ्राई करना है और देखिए और ये वाली सब्जी में ना बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और अभी दो कप जितना मैं पानी ऐड कर लूँगी और पहले मैंने थोड़ा पानी डाला था, उसके बाद मर्च डाला है मैंने, आधा कटोरी जितना मर्च डाला है, इससे भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है सब्जी में। तो शेव भाजी में आप ज़रूर ये ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगती है। और अभी मैंने दो कप जितना पानी ऐड किया है, पानी को अच्छे से बॉयल होने देना है, मिनिमम 5 से 10 मिनट तक मैं इसको बॉईल होने दूंगी। और उसके बाद में लास्ट में ये जो नमकीन होता है ना, यहाँ पे मैंने बारीक वाली नमकीन ली है, आप चाहे तो मोटी नमकीन भी यूज़ कर सकते हो। तो ये भी सब्जी की नमकीन है तो इसको एक कटोरी नमकीन मैंने डाल दिया है, इसको मैं 5 मिनट तक ढक के रख दूंगी। तो देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है।